नमस्कार दोस्तों, हमारी छत में क्रैक होने की वजह से जो सीलन जाती है उसको हम वाटरप्रूफ कैसे करते हैं, ये एशियन पेंट का डैम प्रूफ द्वारा। तो हमको पहले सबसे पहले अपनी छत को तार के ब्रश से बढ़िया से उसको रगड़ रगड़ के साफ कर लेना है। जो ये काई जमी है इसको पूरी तरह से निकाल देना है। देखिए, पूरी तरह से निकाल देनी है। ये काई निकालने के बाद पूरी छत की अच्छे से धुलाई कर देनी है। देखिए, इस तरह धुलाई कर देनी है। पूरी तरह से सफाई हो जानी चाहिए। यदि प्रेशर वाला पानी हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि इसकी कालक जल्दी निकल जाएगी। प्रेशर से ज्यादा अच्छे से धुलाई हो पाती है। धुलाई कर लेने के बाद जब सूख जाएगी छत, तो उसके बाद हमको ये एशियन पेंट का रिपेयर पॉलीमर लेना है। ये रिपेयर पॉलीमर 5 किलो सीमेंट में 1.5 से 2 लीटर ऐड करना है। ये हम रिपेयर पॉलीमर डाल लिया। ये एशियन पेंट का रिपेयर पॉलीमर आता है। इसकी जगह आप सीलेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। पांच किलो सीमेंट इसमें हमने मिक्स कर दिए। अब इसमें हम आवश्यकता अनुसार सादा पानी इस्तेमाल करेंगे। ये सफेद पानी इस वजह से दिख रहा है कि इसमें रिपेयर पॉलीमर डब्बे में था। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। रिपेयर पॉलीमर, सीमेंट और पानी, तीनों को बढ़िया से मिक्स कर देना। इसको मिक्स करके एक पेस्ट सा बना लेना है। और उसके बाद ये हमको क्रैक्स में भर देने हैं। इसको क्रैक्स में डालने के बाद ऊपर से ब्रश मार देना है, ताकि ये प्लेन हो जाए, ऊंचा नीचा ना दिखे। जहां जहां दिक्कत है तो हमें पूरे में रिपेयर मार देनी है। रिपेयर करने के बाद, सूखने के बाद, 3 से 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, जब भी ये पूरी तरह सूख जाए, उसके बाद इस पे हमें कोटिंग करना है डैम प्रूफ की। ये हमारे पास डैम प्रूफ है। ये 20 लीटर की बाल्टी है, और 20 लीटर की बाल्टी में हम 5 से 6 लीटर पहले कोट के लिए पानी ऐड करेंगे। दोस्तों, इसमें 5 से 6 लीटर पहले कोट के लिए इस्तेमाल करना है। जो हमारा दूसरा कोट लगेगा और तीसरा कोट लगेगा, ध्यान रहे, वो बिना पानी के लगेगा। इसको बढ़िया से पूरे माल को मिक्स कर लेना है, ताकि मोटा पतला माल ना रहे, एक बराबर मिक्स हो जाए। देखिए, दोनों बाल्टी को खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है पूरे माल को। मिक्स करने के बाद अब हमारी छत पूरी तरह से सूख चुकी है। धुलाई करने के बाद अब इसमें हम एक साइड से पहला कोट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये घर की छत हो, ऑफिस की छत हो, या फैक्ट्री की छत हो, सभी जगह लगाया जा सकता है। आपकी छत में ईंटों वाली टाइल लगी हो,
या नहीं लगी हो, प्लास्टर हो, उसके ऊपर भी ये बहुत अच्छे से पकड़ करता है और 5 साल तक इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आती। वैसे तो ये 10 साल तक भी चल जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती और आपके घर में सीलन जाने से पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। इसको ब्रश से अच्छे से रगड़ रगड़ के लगा देनी है। जितना अच्छे से इसकी ब्रश से रगड़ाई करोगे उतना ही छोटे से छोटे क्रैक में पूरी तरह से माल पहला कोट, इसीलिए पतला करते हैं कि बारीक से बारीक क्रैक में ये आसानी से अंदर तक चला जाए, ताकि फिर उसमें पानी जाने का कोई रास्ता ना मिले। पहला कोट लगाने के बाद बाकी जो भी कोट हम लगाएंगे वो बिना पानी के होंगे, ताकि एक अच्छी परत बन जाए छत के ऊपर। दोस्तों ये पुरानी छत हो नई छत हो किसी भी छत पे लगाया जाएगा। ये काफी पुरानी छत है इसमें लगा रहे हैं, अगर आपकी नई छत है तो उस पर भी लगा सकते हो, पूरी तरह से वाटरप्रूफ हो जानी है। जो छत से ऊपर से पानी घुसता है वो बिल्कुल नहीं अंदर जाएगा। पहला कोट लग गया है और पहला कोट सूख चुका है। पहला कोट लगाने के बाद इसको 3 से 4 घंटे सूखने देना अच्छी तरह से। जब सूख जाए उसके बाद ही दूसरा कोट इसमें स्टार्ट करना। तो ये सूख चुकी है छत पूरी तरह से, अब इसमें दूसरा कोट स्टार्ट करते हैं। देखिए दूसरा कोट स्टार्ट कर दिए। दूसरा कोट बिना पानी के माल लगाना है, इसमें किसी भी तरह का पानी ऐड नहीं करना। दूसरा कोट भी पहले कोट की तरह ही रगड़ रगड़ पूरी तरह से लगाना है, ताकि ये भी बराबर से सभी क्रैक्स के ऊपर आसानी से बैठ जाए। दोस्तों दूसरा कोट भी सूख चुका है, अब इसमें तीसरा कोट स्टार्ट कर दिए हैं। दूसरे दिन हम आके ये देखिए अब तीसरा कोट स्टार्ट किए। तीसरा कोट भी बिना पानी के ही लगाना है। दोस्तों ये घर की छत नहीं है, ये फैक्ट्री की छत है। इसमें शिकायत मिल रही थी कि नीचे जो लिंटर था उसमें सीलन जा रही है। वो सीलन को रोकने के लिए इसमें डैम प्रूफ की वाटर प्रूफिंग की जा रही है। ये बहुत ही आसान है करना, आप स्वयं भी कर सकते हो या कारीगर को बुला के भी करवा सकते हो। ये एशियन पेंट का डैम प्रूफ है, किसी भी हार्डवेयर पेंट की दुकान पे ये आसानी से मिल जाता है। ये बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है, सस्ता ही प्रोडक्ट है और काम बहुत अच्छा करता है। देखिए तीसरा कोट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तीसरा कोट लगने के बाद छत की लुक कुछ ऐसी आती है। जो आपकी छत गंदी दिख रही थी पूरी तरह से साफ सुथरी छत भी हो जाएगी।
पूरी तरह से लगा देना, कहीं भी छूटना नहीं चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।